हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनूज गार्डन लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो टॉपिक है स्नेक प्लांट पर। तो स्नेक प्लांट एक काफ़ी अच्छा प्लांट है जिसको आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपके लिए, तो इसको अपने घर के गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास स्नेक प्लांट्स की दो वेराइटी हैं, एक जिसकी लीव्स काफ़ी बड़ी होती हैं और एक ये जो है दूसरा वाला, वो ड्राफ्ट वेराइटी है। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है, आप इसको अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरा ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो न्यू लीव, देखिए कितनी हेल्दी है। मेरे प्लांट की हेल्दी होने का रीज़न ये है कि इसमें मैं वाटरिंग बहुत कम करती हूँ। विंटर सीज़न में सॉइल के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है, जिसकी आप गुड़ाई कर दीजिए ताकि जो सॉइल वो थोड़ी लूज़ हो जाए और उसमें ऑक्सीजन जो है सॉइल में चले जाए। सॉइल में ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट की हमारी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो ये देखिए मेरा प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी है, ये देखिए इसमें काफ़ी सारी न्यू लीव्स निकल रही है और इस तरीके से मेरे प्लांट में बहुत सारे न्यू लीव्स निकल रही है। और मेरा ये इंडोर प्लांट मतलब अंदर रखा हुआ है कमरे में, तो जहाँ पर इसको ना धूप लगती है ना ही हवा लगती है, सिर्फ ये LED लाइट में लगा हुआ है। बस हफ्ते में मैं इसको एक बार निकाल के धूप दिखा देती हूँ संडे की संडे। तो इससे मेरा प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी है। ये दूसरा जो है मेरा ड्राफ्ट वैरायटी है, तो इस प्लांट में से भी साइड से बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, इसे निकाल के आप उनको न्यू प्लांट बना सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोपागेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ड्राफ्ट ही रहता है, मतलब इसकी लीव्स जो है वो छोटी ही रहती हैं, बड़ी नहीं रहती है। मैंने क्रिएटिव तरीके से लगा रखी है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इतने सारे पॉट्स को मैंने रस्सी में डालकर और अच्छे से लगा दिए हैं। तो ये प्लांट भी आप देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। सभी प्लांट जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, सारे प्लांट्स मेरे हेल्दी हैं। तो आप भी अपने घर में क्रिएटिव तरीके से लगाइए, एक से काफ़ी सारे प्लांट हो जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके घर में किसी को सांस की बीमारी है या कोई दिक्कत है तो अपने घर में आपको इसको ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत ही बेस्ट प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है, आपको इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। इसको प्रोपागेट करना भी बहुत इजी है, आप सिर्फ इसकी एक लीव लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, लीव लीजिए और उसको 3-4 पार्ट में कट कर लीजिए। तो जब आप जितने पार्ट्स बनाएंगे उन सभी में रूटिंग होने लगेगी और न्यू जो प्लांट्स हैं हमारे प्रोपागेट हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरा जो ड्राफ्ट वैरायटी है उससे भी मैं एक लीव ले लेती हूँ, इसमें से भी रूटिंग होने लगेगी। तो ये देखिए मैं एक बॉक्स ले रही हूँ, पेस्ट बॉक्स जो होता है, कोई मिठाई वगैरह का बॉक्स हो आप उसको ले सकते हैं और उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कटिंग जो भी हम लगा रहे हैं उसमें रूट्स तो होती नहीं है जो वाटर को जो है सोक कर ले। तो इसलिए इसमें जब हम इसको प्रोपेगेट करेंगे तो एक तो आप सैंड ले लीजिए सॉइल में और दूसरा कोकोपीट थोड़ा सा मिला लेंगे ना, तो मॉइस्चर बना रहेगा और जो एक्स्ट्रा पानी है जो वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, उसको निकालना काफ़ी ज़रूरी है, तो हमारी कटिंग बढ़ना गल सकती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो 3 पार्ट्स मैंने जो मेरी बॉटम से मैंने लीव ली थी हेल्दी प्लांट में से, मैंने उनको अच्छे से लगा दिया है और पहली बार में वाटरिंग अच्छे से कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं ये नॉर्मल गार्डन स्टाइल में लगा रही हूँ, तो ये मेरा ये भी नॉर्मल गार्डन स्टाइल में भी हो जाएगा। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर लगाइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड जय श्री राम।